30 दिन में 30,000 अर्निंग चैलेंज का आज है डे 26। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं FTC चैनल। आज हम लोग फील्ड पे निकले हैं, वैसे ही मतलब जितने बजे रोज डेली लेट हो रहा है, 11:30 बज गया ऑलमोस्ट और हम लोग फील्ड पे निकले हैं। देखते हैं आज हम लोग कितना ट्रिप मारते हैं, क्या कमाते हैं, जो भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग की आईडी में प्रॉब्लम है, जैसे कोई आईडी में एरर है या डॉक्यूमेंट अप्रूवल नहीं है या जो भी ये पेंडिंग में है, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं आप लोगों को पोर्टर वाले का जो बंदा है उसका नंबर दे दूंगा, वो आपका जो भी काम है वो कर देगा। ठीक है, अभी चलते हैं फटाफट से, अपने को एक ऑर्डर आ गया है। सो गाइस, हम लोगों ने एक पार्सल उठा लिया है जो कि ये है और इसका थोड़ा वेट भी है, तो हम लोगों ने इसका जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं ट्रिप को और निकलते हैं यहाँ से लोअर परे। सो गाइस, अपनी गाड़ी जो है यहाँ पार्किंग में लगा दी है हम लोगों ने, और अपना जो सामान है वो गेट के वहाँ पे रख गया है, बिकॉज वो थोड़ा हैवी है। सामान तो 20 किलो के ऊपर था, तो मैंने कस्टमर को बोला कि भाई कैंसिल कर, मुझे नहीं लेके जाना है। बट कस्टमर ने बोला कि यार भाई थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस ले लो और इसको कंप्लीट कर दो, तो मैंने उसको बोला ठीक है, और 150 रुपया हम लोगों ने इसका एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है। ठीक है, अभी चलते हैं पार्सल को लेके ड्रॉप कर। सो गाइज, ये रहा अपना पार्सल, इसके अंदर कॉपी किताब भरा हुआ है। सो गाइज, मैंने कस्टमर को बोल दिया हूँ कि भाई आपका कोई बंदा है तो भेज दो, बिकॉज यहाँ पे जो है ना लिफ्ट भी बंद है, मतलब लंच टाइम है, तो अभी लिफ्ट बंद है, तो अपना सामान इधर ही रखा हुआ है। तो मैं बोला भाई आपके बंदे को भेज दो, मेरे से उठ नहीं रहा इतना हैवी, अगर उठेगा तो भी क्यों इतनी मेहनत करने है गाइज, उनका बंदा आके लेके जाएगा ना। अपने को सिर्फ वहाँ से यहाँ तक का एक्स्ट्रा चार्जेस दिया, यहाँ से ऊपर लेके जाने का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिया अपने को। बात तो सही है। सो गाइज, 385 रुपये आ गए अपने को, और ट्रिप का फेयर था 235 रुपया और 150 रुपया हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया था। 5 स्टार देके इसको क्लोज करते हैं, सामान भी अपना ड्रॉप हो गया है, चले गया कस्टमर लेके। अभी चलते अपनी गाड़ी लेते और दूसरे ऑर्डर पे निकलते अभी। सो गाइज, अभी बारी है अपने को पोर्टर वाले को इन्फॉर्म करने की, बिकॉज हम लोगों ने 150 रुपया एक्स्ट्रा लिया। हेलो, साकीनागा से एक लोअर परेल का एक पार्सल लाया था मैं, फर्स्ट ट्रिप जो थी मेरी, तो उसका जो था ना ओवरलोडिंग था, थोड़ा सा वेट ज़्यादा था, तो मैंने उस कस्टमर से 150 रुपया एक्स्ट्रा लिया था, तो वही इन्फॉर्म करने के लिए आपको कॉल लगाया था मैडम। हाँ, वो तो बात सही है, हम लोग की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैंने लेके आया कस्टमर से, और पेमेंट भी मुझे मिल गया है, तो फिर भी मैं आपको एक बार इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ जस्ट, कि आप एक बार मेंशन कर दीजिए वहाँ पे कि कस्टमर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैंने पार्सल का एक्स्ट्रा चार्जेस लेके डिलीवरी किया है ना, तो वही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। सो गाइज, ये जो इन्फॉर्म करने का एक ही मकसद था मेरा, बिकॉज क्या है ना, कभी कभी कस्टमर लोग एक्स्ट्रा चार्जेस तो दे देते, फिर उसके बाद में ना कंप्लेंट रेज कर देते वो लोग कि इसने एक्स्ट्रा चार्जेस लिया है, ये वो जो भी है। तो मरोल का वापस से अपने को ऑर्डर आ गया, हम लोगों ने फिर उठा लिया है यहाँ से, लोअर परेल से ही पिकअप है। एक बार मैं आपको बता देता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, और फिर निकलते अपनी गाड़ी लेके। 249 की ट्रिप है गाइज, और लोअर परेल से ही पिकअप है, ड्रॉप इसका मरोल है, और अभी आपको मैं बता देता हूँ पिकअप लोकेशन जो है वो कुछ 2-2.5 किलोमीटर दूर है। सो फटाफट चलते, 30 रुपये अपने को कंपनी ने एक्स्ट्रा भी दिया है, लगता है अभी चालू कर दिया है कंपनी ने एक्स्ट्रा पेमेंट करना, बिकॉज इतना कम कम पैसा दे रहा था ना, तो मन भी नहीं कर रहा था, अभी चालू किया लगता, तो अभी फटाफट चलते हैं गाइज। ये क्या बता रहा है, अच्छा अच्छा ये जो मैंने अभी कस्टमर से बात किया वो है। सो चलते हैं पिकअप लोकेशन पे, सोच रहा उससे पहले एक बार मैं कस्टमर से बात कर लूँ, क्या सामान है क्या नहीं उसके बारे में पूछ लूँ। सो गाइज, ये जो 250 वाला पार्सल है जिसको अपने को मरोल लेके जाना है, वो पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, ये लिफाफा, इसको अपने को ड्रॉप करना है। अभी करते हैं गाइज ट्रिप को स्टार्ट, मैं 2-5 मिनट के बाद करूँगा, फिलहाल मैं देखता हूँ वीफास्ट में कोई अपने को मरोल साइड का ऑर्डर मिलता है तो हम लोग उठाएंगे, बिकॉज आज वीफास्ट में भी ऑर्डर भरपूर है एकदम। सो गाइज, लिफाफे वाला पार्सल लेने के बाद मैं इधर आया, वीफास्ट में भी एक अपने को एक पार्सल मिल गया है 150 का, पिकअप बाजू से ही है, इसको ड्रॉप करना है अपने को विले पार्ले, मतलब अपने रास्ते पे ही आने वाला ये, मतलब समझ लो मैं आपको वो बता देता हूँ मैप, ये रहा अपना विले पार्ले, हाईवे पे देना है, फिर उसके बाद में हम लोग को मरोल के लिए यहाँ निकलना है। ठीक है, तो ये अपने लिए बहुत मस्त ऑर्डर है, तो अभी चलते हैं, पिकअप भी बाजू से ही है, मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ, बस 500 मीटर की दूरी पे ही है, चलते पार्सल लेते हैं। सो गाइस, पार्सल हम लोगों ने उठा लिया, ये लिफाफे को देना है अपने को विले पार्ले में, तो चलते हैं अभी, पहले ये देंगे फिर उसके बाद गाड़ी के अंदर जो है उसको देंगे। सो गाइस, वीफास्ट का पार्सल देने का टाइम आ गया है, तो अभी फटाफट पार्सल को करते हैं ड्रॉप। सो गाइस, अपना वीफास्ट का जो पार्सल है 153 का, वो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। सो अभी चलते हैं अपनी गाड़ी लेके, ये रही अपनी गाड़ी, और अभी मैं आपको बता देता हूँ पोर्टर का जो है वो भी ज़्यादा दूर नहीं है,
पार्सल यहाँ से रहेगा 3 या 5 किलोमीटर के आसपास रहेगा, 5 किलोमीटर दूर। सो लेते हैं फटाफट पार्सल को, निकलते हैं पार्सल अपनी गाड़ी के अंदर। सो गाइस पार्सल हम लोग ड्रॉप करने के लिए आ गए अभी मीडिया असिस्ट में, फटाफट पार्सल ड्रॉप करते फिर निकलते। सो गाइस अपने को एक छोटा सा ऑर्डर आया 137 का है और इसको मरोल से पिकअप करना है और अभी फ़िलहाल मैं मरोल में ही हूँ और अपना जो पार्सल यहाँ ड्रॉप करके यहाँ बैठा था तो मरोल से उठाना है, उसके बाद में जरीमरी साइड जाना है साकी नाका, फिर बैल बाज़ार उसके थोड़ा सा आगे जाना है, फिर उसके बाद में वापस से जो पहला ऑर्डर है वहाँ पे लाके देना है। शायद से ये कुछ कुरियर रहेगा या डिलीवर करना रहेगा या कुछ तो भी साइन करके लाना रहेगा। तो पिकअप लोकेशन बाजू में ही है, मतलब समझ लो कुछ, ये तो घुमा के दिखा रहा है, ये 300-400 मीटर की दूरी पे अपने को यहाँ से जाके सीधा यहाँ घुसना है। तो फटाफट चलते हैं पार्सल को लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। तो गाइज हम लोगों ने पार्सल ले लिया है, ये कुछ शायद थैली के अंदर कपड़े वपड़े हैं, टी शर्ट वीशर्ट है, तो इसको देना है अपने को साकी नाका में। साकी नाका देखिए ना, फिर एक और जो एड्रेस जो ऐड किए ना मैडम ने, वहाँ से कुछ पार्सल ला के उसको दे देना है। ठीक है अभी चलते हैं फटाफट, पार्सल करते हैं ड्रॉप और कंप्लीट। सो गाइस ये छोटा जो ऑर्डर है उसको हम लोगों ने उठा लिया है, ठीक है, और अभी करते हैं गाइस फटाफट से ट्रिप को स्टार्ट और यहाँ से निकलते हैं लोकमान्य तिलक साकी नाका, मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास में ही होगा, ज़्यादा नहीं दूर होगा, 1.5 किलोमीटर दूर है। चलते फटाफट पार्सल को करते हैं ये दोनों को ड्रॉप, फिर उसके बाद वहाँ से दूसरा एक और लोकेशन पर जाके अपने को एक और पार्सल लाना है। तो गाइस पार्सल हाँ ड्रॉप हो गया है, ट्रिप को हम लोग यहाँ पे रीच आउट करके निकलते हैं दूसरे लोकेशन पे। चलान मिलान कुछ नहीं थी उन्होंने। सो यहाँ से सिर्फ 550 मीटर जाना है अपने को, यहाँ से एक पिकअप उठा के फिर मरोल जाना है अपने को। सो गाइस आखिरी पार्सल हम लोगों ने उठा लिया है, ठीक है अभी रीच आउट करते हैं इसको। इसका ना गाइस हो सके तो पैसा बढ़ना चाहिए, बिकॉज इसका जो ये थर्ड वाला लोकेशन था ना वो गली बिल्ली के अंदर था, वहाँ से जाके मैं वापस आया हूँ इधर पे। तो अभी जाना है अपने को राहुल मित्तल में जाके ये इसको सबमिट करना है, वो तो पता ही अपने को जहाँ से हम लोग आए थे। तो चलते हैं फटाफट पार्सल को करते हैं ये वाले ड्रॉप। सो गाइस लास्ट पार्सल देने के लिए मैं पहुँच गया हूँ ड्रॉप लोकेशन पे, फटाफट पार्सल ड्रॉप करते हैं, पेमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद मैं मिलता हूँ। सो गाइज ये पार्सल ड्रॉप करने के बाद में जो है 26 रुपये अपने को ऐड करके मिला है, बिकॉज 1 किलोमीटर हम लोग जो है घूम के गए थे, कस्टमर ने जो है एड्रेस बराबर नहीं डाला था तो थोड़ा घूम के गए थे। तो अभी टाइम हो गया है 5:30 बज गया, देखते हैं अभी छोटा मोटा एक आध ऑर्डर मारते। और सो गाइज एक पार्सल हम लोगों ने उठाया है लोअर परेल का है, ठीक है स्क्रीन पर आपको दिख रहा रहेगा, और एक और पार्सल उठाने के लिए जा रहा हूँ। फिलहाल मैं साकी नाका में हूँ, हंसा से अपने को एक वीफास्ट उठाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, 127 रुपये का है, वडाला देना है, पहले वडाला देंगे अभी ये उठाने के बाद में, ये वडाला देंगे फिर उसके बाद में ये वाला पार्सल ड्रॉप करेंगे। ठीक है चलते हैं अभी ये वाला वीफास्ट उठाने के लिए। सो गाइस वीफास्ट का जो पार्सल है हम लोगों ने उठा लिया है, छोटा सा बॉक्स है इसके अंदर, लेकिन एक्सपेंसिव आइटम है, मतलब कुछ रैपिंग विपिंग करके दिया है, गिफ्ट विफ्ट जैसा कुछ रहता है ना, कांच का आइटम है शायद। तो अभी इसको लेके जाना है वडाला साइड में, तो पहले हम लोग वडाला जाएंगे, ये वाला पार्सल ड्रॉप करेंगे ये बॉक्स, फिर उसके बाद में फिर निकलेंगे हम लोग परेल साइड के लिए। ठीक है तो गाइस पार्सल अपने हाथ में ही, फटाफट चलते हैं पहला वाला पार्सल करते हैं ड्रॉप, फिर उसके बाद में निकलेंगे। सो गाइस वी फास्ट का पार्सल हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। सो अभी चलते हैं पोर्टर का जो पार्सल है ना अपने पास वो देने के लिए। तो गाइज लोअर परेल वाला जो पार्सल था वो हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया है, तो अभी यहाँ से घर पे जाने का ऑर्डर देखना पड़ेगा अपने को, तो अभी कोई ऑर्डर आता है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइज एक पार्सल हम लोगों ने उठाया है गोरेगांव के लिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा रहेगा, ठीक है, और पिकअप कर लिया हूँ। अभी वीफास्ट चेक कर रहा हूँ गाइज, वीफास्ट है ना अपने को एक मिला तो है 165 का, पवई का है, लेकिन है ना गाइज ये परेल का है, मतलब अपने को वापस से ईस्ट में बुला रहा है, और अभी फ़िलहाल मैं वेस्ट में हूँ, ये पार्सल लेने के लिए आया था ना तो वेस्ट में हूँ मैं। तो अभी देखते गाइज थोड़ा बाहर निकलते हैं, दूसरी भी आईडी चालू करते हैं। सो गाइज पोर्टर का तो हम लोगों ने ऑर्डर उठा लिया है, गोरेगांव साइड का है, और वीफास्ट अभी चेक कर रहा हूँ, वीफास्ट में अगर कुछ मिलता है तो वीफास्ट का भी एक ऑर्डर उठा के निकलेंगे हम लोग यहाँ से, क्योंकि अपना ये लास्ट ऑर्डर रहेगा, और दूसरी आईडी भी अपनी चालू है पोर्टर की, अगर वहाँ पर भी अपने को ऑर्डर आता है तो हम लोग वहाँ से भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो गाइज 5 मिनट हो गया है, रिफ्रेश कर रहा हूँ, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा अपने को वीफास्ट में, और पोर्टर की भी आईडी अपनी चालू है, अगर यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर बचता है तो हम लोग यहाँ पे भी ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेंगे। और 8:18 हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि 8:25 पे मैं निकल जाऊँ ऐसे, अगर ऑर्डर नहीं आएगा तो। पेट्रोल भी ख़त्म हो गया था तो 2 लीटर पेट्रोल डाल लेते अपन, 207 रुपये का।
सो गाइज लास्ट पार्सल लेके हम लोग पहुँच गए, ड्रॉप करता हूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ, क्या अर्निंग हुई है क्या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ आके। सो गाइज अभी हम लोगों ने अपना पार्सल ड्रॉप कर दिया है और अभी बारी है अर्निंग शो करने की। फटाफट मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं आज हम लोगों ने कितना कमाया। बहुत टाइम के बाद में ऐसा लग रहा है कि इतनी कमाई हुई है अपनी, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बता देता हूँ। सो गाइज पोटर की पहली आईडी में हम लोगों ने 572 रुपया कमाया है और वी फास्ट में 280 रुपया, 572 280 और ये 360 है। ये दूसरी आईडी में कमाया हम लोगों ने, स्क्रीन पे आपको दिख रहा रहेगा। और ये जो 150 रुपया है वो अपने को जो एक्स्ट्रा मिला था फर्स्ट ट्रिप का उसका है, तो 1362 की आज की अपनी अर्निंग हो गई है। तो गाइज अभी आ जाते हैं हम लोग चैलेंज वाले ऐप में। दोनों पोटर की आईडी मिला के 932 रुपया हुआ है, बॉर्जो में 280 का और 150 रुपया एक्स्ट्रा जो चार्जेस लिए थे हम लोगों ने वो 208 रुपया अपना पेट्रोल का गया है। तो 26 दिन में जो है 26,773 रुपये अपना जो है सेव हो गया है। सो गाइज आज था चैलेंज का 26वां दिन, 26 डे, और हम लोग अभी भी प्लस में चल रहे हैं। तो अभी कैसा है ना, वीडियो को एंड करने का टाइम हो गया है। जितने भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने चैनल को, नए तो ज़रूर करना, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी वो वापस सब्सक्राइब मत करना नहीं तो वापस से सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। जो नए उनके लिए सिर्फ सब्सक्राइब कर दो और जो पुराने वो लाइक ठोक दो वीडियो पे, अगर पसंद आया रहेगा तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को एंड करते हैं अभी। वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगारा फतह तक मौज जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा रेड कलर का, उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डर से वीडियो के साथ में, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल। और हाँ, दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, एंड ऑलवेज स्टे एक नंबर।